ओम नमः शिवाय। आज मैं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ। इनकी जो जन्म कुंडली बनती है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली बनती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध पराक्रम में है, पराक्रम से इनका व्यक्तित्व बन रहा है। साथ साथ लगन में देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब हम इनके द्वितीय भाव की बात करेंगे जो कि द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, परिवार का है। मंगल कर्क राशि में बैठे हैं और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। तो मंगल यहाँ नीच के हैं और चंद्रमा का अपने घर में देखने के कारण मंगल का नीच भंग राजयोग हो जा रहा है। साथ साथ सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य जो है ये पराक्रम भाव में है। तो अब देखिए मंगल का जो है नीच भंग राजयोग हो जा रहा है, तो इसलिए धन का, कुटुंब का, परिवार का भाव काफ़ी स्ट्रांग हो जा रहा है। साथ साथ सूर्य जो है पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो यहाँ धन से, कुटुंब, परिवार से इनका पराक्रम भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो है मंगल जो है लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी धन से, कुटुंब, परिवार से इनको लाभ की भी प्राप्त हो रही है। और यहाँ पे देखिए दूसरे भाव का और ग्यारहवें भाव का संबंध बन गया मंगल भाव से, इसलिए काफ़ी धनी हो गए और ये काफ़ी धनवान है। क्योंकि तो यहाँ पे देखिए मंगल का जो है ना संबंध जो है ये मतलब द्वितीय भाव का और ग्यारहवें भाव से संबंध बनता है, तो ये कंडीशन होती है। और सूर्य जो है पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो अब हम इनके पराक्रम भाव में देखिए बुध और केतु बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है। इसके स्वामी जो है सूर्य जो है बैठे हैं धन भाव में, तो धन, कुटुंब, परिवार से इनका पराक्रम है। अब हम बात करते हैं इनके चतुर्थ भाव की जो कि सुख, सुविधा, भूमि, वाहन, मकान का है। यहाँ पे देखिए शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र नीच के हैं, शुक्र नीच के हैं। और इसमें देखिए क्या खास है कि यहाँ पे जब हम नवांश कुंडली में जाते हैं तो नवांश कुंडली में क्या होता है कि नवांश कुंडली में शुक्र जो है वृषभ राशि में बैठे हैं, स्वक्षेत्रीय हैं, तो यहाँ पे शुक्र का नीच भंग राजयोग हो जा रहा है। तो इस कारण सुख, सुविधा, भूमि, वाहन, मकान ये काफ़ी स्ट्रांग हो जा रहा है। ये भाव चतुर्थ भाव जनता का ही भाव, ये काफ़ी स्ट्रांग हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं इनके जो है विद्या भाव की। तो विद्या भाव में देखिए गुरु बैठे हैं, हालांकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को कमज़ोर करते हैं, तो यहाँ पर इनका जो है पंचम भाव कमज़ोर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है तुला राशि पे, तो उच्च की होती है, उच्च राशि पे शनि की दृष्टि है तो ये भी अच्छा करेगी। और यहाँ पे जो है राहु की दृष्टि पड़ रही है तो राहु की दृष्टि भी नौमी दृष्टि काफ़ी अच्छा करेगी। अब हम इनके रोग, ऋण, शत्रु भाव की बात करते हैं। देखिए छठम भाव इसके स्वामी मंगल हैं, और तो मंगल जो है इसमें जो है द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो इनके धन, कुटुंब, परिवार के कारण रोग, ऋण, शत्रु भी बन सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है कि इसके पहले मैंने बताया कि यहाँ पे विद्या भाव, संतान भाव के स्वामी शुक्र का नीच भंग है, तो यहाँ चतुर्थ भाव से इनका पंचम भाव स्ट्रांग हो रहा है। और यहाँ पे छठम भाव में बताएं तो यहाँ पे जो है इसके स्वामी मंगल हैं, तो मंगल से जो है मंगल के कारण जो है द्वितीय भाव के कारण धन, कुटुंब, परिवार के कारण के रोग, ऋण, शत्रु भी बन सकते हैं। अब हम इनके जो है बात करते हैं इनके मैरिज हाउस की और व्यवसाय भाव की। जहाँ पे धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और इसमें जो है देखिए केतु की दृष्टि पड़ रही है धनु राशि में, तो केतु की दृष्टि की धनी इसके जो स्वामी हैं ये क्या तुला राशि में गुरु बैठे हैं पंचम भाव में, तो यहाँ पे इसमें जो है देखिए क्या है कि यहाँ पे पंचम का और मैरिज हाउस के साथ संबंध बना हुआ, तो यहाँ पे लव मैरिज का और के इंडिकेट करता है। क्योंकि जब भी पंचम भाव का जो है संबंध मैरिज भाव से बनता है मतलब, तो ये प्रेम विवाह को का की कंडीशन बनती है। अब इसमें केतु की दृष्टि पड़ रही, हालांकि केतु की दृष्टि गुरु घर में अच्छा करेगी। अब हम बात करते हैं इनके अष्टम भाव की। देखो अष्टम भाव में क्या है कि यहाँ पे मकर राशि है और यहाँ पे जो है मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे चंद्र मंगल योग बन गया, तो ये क्या अष्टम रिसर्च एनालिसिस का, आयु का, मृत्यु का होता है, तो ये अच्छा है। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है
और इसमें सूर्य के भी कारण है, और इसमें देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की अपने घर में दृष्टि पड़ रही है, दसवीं दृष्टि शनि की अपने घर में पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे चंद्र और शनि का योग बन रहा है, चंद्र शनि का योग बन रहा है, और यहाँ पे देखिए चंद्रमा जो है अभी शनि जो है 29 अप्रैल 2022 तक तो शनि यहीं पे गोचर करेंगे, उसके बाद शनि की पोजीशन चेंज होगी। तो अभी तो 2.5 साल जितना जब से शनि थे मकर राशि में तब से यहाँ पे अष्टम भाव थे तो इनको प्रॉब्लम थी, अब जो है चीज़ें जो है यहाँ पे ये जब चेंज होंगे शनि तो ठीक होगी, तो चंद्र मंगल योग बन रहा था। अब हम बात करते हैं इनके भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव में राहु बैठे हुए हैं, बुध और केतु की दृष्टि पड़ रही, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि के कारण और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य भी अच्छा हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके कर्म भाव की, तो कर्म भाव में जो है मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम का दशम का संबंध बन गया, तो इस कारण कर्म भी अच्छा हो रहा है। और लाभ भाव में तो शनि बैठे हैं, तो लाभ भाव में शनि जो है नीच, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, अब मेष राशि में शनि नीच के हैं और जो है तुला राशि में शनि उच्च के हैं, तो तुला राशि में जब उच्च के हैं तो शुक्र जो है स्वक्षेत्री वृषभ में बैठे हुए हैं, तो शुक्र जो है शुक्र के कारण यहाँ पे शनि का जो है नीच भंग शनि का भी हो रहा है शुक्र के कारण, क्योंकि वृषभ में वृषभ में शुक्र बैठे हैं और शुक्र स्वक्षेत्री हैं, तो शुक्र स्वक्षेत्री हैं और तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, तो इस कारण शनि का भी नीच भंग हो रहा है, तो लाभ भाव जो है इनका इनकम भाव काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। और व्यय भाव की बात करें तो इसका स्वामी शुक्र है, तो सुख सुविधा भूमि वाहन मकान के कारण इनका खर्च भी हो रहा है। तो ये थे इनके खास योग, और इस खास योग के कारण ये कुंडली काफ़ी अद्भुत होती है। तो ये थी सैफ अली खान जी की कुंडली। धन्यवाद।